जिंदगी में दीन होगा उसके बकदर कामयाबी होगी। जैसे अंधेरे में जितना ज्यादा वाट का बल्ब होता है उतनी रोशनी ज्यादा होती है। उसी तरह दीन जितना ज्यादा होगा उसके बकदर कामयाबी भी ज्यादा होगी, और बेदीनी जितनी ज्यादा होगी उसके वक्त नाकामी नुकसान और खसारा भी ज्यादा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस बात का मतलब किया है दुनिया में कि वो अपना दीन सीखे, मर्दों को भी, औरतों को भी, गरीबों को भी, ईमानदारों को भी, पढ़े लिखों को, अनपढ़ों को, सब सबको इसका मतलब। कोई बेदीन ना रहे, कोई जाहिल ना रहे, हर एक अपनी जरूरत समझकर अपना दीन सीखे। वैसे अपनी जरूरियात जिंदगी को, खाना पीना, कपड़ा मकान, उसको हर आदमी, हर मर्द, हर औरत अपनी जरूरत समझकर हासिल करते हैं। ऐसे दीन को हर एक अपनी जरूरत समझकर हासिल करने की कोशिश करें। मर्द भी दीन सीखे, औरतें भी सीखे, अपने बच्चों को सिखा रहे, अपने माहौल में दीनी फिजा बना रहे, ये हमारी बड़ी जरूरत है। अगर दीन न सीखा तो हम खसारे में रहेंगे, नुकसान उठाएंगे, और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए पछताएंगे। दीन में जो बुनियादी और असासी चीज है वो ईमान जो सीखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलमा है, इस्लाम का कलमा है, ये उसके अल्फाज हैं जो जबान से अदा किए जाते हैं, जबान से जिसको बोला जाता है। लेकिन ईमान की असल जगह दिल है।
ईमान माँ वक्त अपने कल खरीद में आता है, ये दिल में जगह पकड़ता है। और जब ईमान दिल में जाता है तो वो अपना असर जाहिर करता है। इसलिए इंसानों को इस बात की ताकीद की है कि अपने दिल की गहराइयों में ईमान को उतार रखें। खाली जबान पर पढ़ना नहीं हो सकता, जबान से अदा करना, दिल की गहराइयों में उतारना, यकीन करना है अल्लाह पर, अल्लाह की ताकत पर, उसकी कुदरत पर, उसके खजानों पर और उसके तमाम सिफतों पर कि अल्लाह बड़ा है, दिल से मानना ही तो बहुत बड़ा है, बड़े खजानों का मालिक है। इसको दिल से मानना है कि बहुत बड़े खजानों का मालिक है, एक बड़ी जात है, सब कुछ करता धरता हुई, खिलाने वाला, खिलाने वाला, मारने वाला, खिलाने वाला, इज्जत और जिल्लत का मालिक, जिंदगी और मौत का मालिक, तंदुरुस्ती और मालदारी का मालिक, बीमारी और तंदुरुस्ती का मालिक, एक अल्लाह ही अकेला है। उसकी किसी भी सिफत में उसका कोई शरीक नहीं। अपने दिल से इसको तस्लीम करना। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी रसूल, आपकी इबादत कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल नहीं, आप अल्लाह के आखिरी रसूल। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया है, सारे जहानों के लिए आपको रहमत बनाया है। जो आपके तरीके को इख्तियार कर लेगा उसकी जिंदगी रहमत वाली बन जाएगी। जिस काम में से आपका तरीका निकल जाएगा वो काम रहमतों से दूर हो जाएगा। दुनिया भर में जितने सारे मसाइब हैं, जितने हालात हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि काम दुनिया में होने वाले कामों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका निकला, रहमत वाला तरीका निकल गया। इस बात का यकीन अपने दिल से करना और अमली तौर पर अपनी जिंदगी ईमान के मुताबिक आपके तरीकों पर गुजारना, ये ईमान का तकाजा है। अल्लाह ने बंदों बंदियों पर इबादत पर पांच वक्त की नमाज जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, नमाज से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह का ताल्लुक बढ़ता है। जितना हम शौक के साथ, ज्ञान के साथ, खुशोखुलू के साथ नमाज पढ़ेंगे तो उतना अल्लाह का ताल्लुक बढ़ेगा। अल्लाह के ताल्लुक में इजाफा होगा, रोजा उसकी मारिफत बढ़ेगी। नमाज को इस ध्यान के साथ उससे हमें कुर्ब खुदावंद भी हासिल हो जाता है, अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाती है। नमाज के जरिए से अल्लाह से बातें करने का मौका मिलता है, हम अपने रब से बातें करें। हदीस पाक में आता है, जब नमाज में खड़े होकर बंदा या बंदी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह जो रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला का इरशाद होता है हम इधर यहाँ मेरे बंदे ने, मेरी बंदी ने मेरी तारीफ की। हर हर आयत पर अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, अल्लाह से बातें हो रही नमाज में, पूरा ध्यान जमा कर शौक के साथ, खुशू के साथ, अच्छी तरह से वजू करके, इसका वजू का हुक्म है, वजू को अच्छी तरह से किया जाए, तीन तीन मरतबा हर रोज को धोया जाए, ध्यान के साथ वजू करें। वजू भी एक इबादत है। और फिर पूरे ध्यान के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज की मश्क करनी है,
कि जैसी नमाज अल्लाह चाहता है वैसी नमाज हम पढ़ने पर जरूर, और नमाज के जो फजाइल है उसका ध्यान करना कि नमाज पढ़ने पर अल्लाह हमें क्या देने वाला है। सारी हाजतें जरूरतें अल्लाह नमाज के जरिए से पूरी करेगा, हमारी रोजियों में बरकत दे देगा, कब्र के अजाब को दूर कर देगा। जिन घरों में नमाज पढ़ी जाती है वहां रहमतें उतरती हैं। नमाज के एक एक रुकन में मुस्तकिल अलग अलग किस्म का अजर रुकू में, सजदे में, तौबे में, कायदे में, जितना कुरान पढ़ा जाएगा नमाज में हर हर आयत पर, बल्कि हर हर हरफ पर नेकियां मिलेगी। तंदुरुस्ती का राज भी नमाज में, नमाज के जरिए से अल्लाह अपने बंदों और बंदियों की हाजतों और जरूरतों को पूरा करता है। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सारी चीजों के ध्यान के साथ पढ़ना जैसे दूसरी इबादत है, नमाज के बाद रोजा है। रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों बंदियों पर रोजे को फर्ज किया और रोजे के बदले में अल्लाह फरमाता है कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। जिनको अल्लाह ने माल दिया है, साहिब निसाब बनाया, उनके ऊपर ज़कात फर्ज की। ज़कात माल की पाकी और सफाई का जरिया है। इनके पास माल है, जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज किया और हज करने पर बड़ी फजीलतें हैं। एक फजीलत बयान की हदीस पाक में कि हाजी कभी फकीर नहीं होता। ऐसे अल्लाह की इबादतें मुख्तलिफ किस्म की, उन इबादतों को उसकी बड़ाई और आजमत के ध्यान के साथ बजा लाना ये बंदों की जवाबदारी। तमाम इबादतों को बजा लाना और हर वक्त बंदा बंदी बन के रहना। हम आजाद नहीं हैं, बंदे हैं, बंदियां हैं, हम ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, हम उसके गुलाम हैं। उसी की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये हमारे ज़िम्मे है, हमें इसकी कोशिश करना है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, हर हाल जो भी हाल हमारा है वो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हो जाए। किसी वक्त हम गाफिल न हों, किसी वक्त हम अल्लाह के दरबार में गुनहगार न लिखे जाए बल्कि फरमा बरदार लिखे जाए। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, उसके हुक्मों को हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर पूरा करने वाले हम शुमार हो रहे हों, ये हमारे अंदर का दाइया हो। इसलिए ज़िंदगी ताबेदारी वाली, फरमा बरदारी वाली गुजार। ये जज्बात हमारे बने रहे इसके लिए दीन की मेहनत है, दीन की दावत और दीन की मेहनत के मुबारक आमाल हैं, जिसमें बुनियादी आमल वो फजाइल के हलके हैं तालीम के और खुसूसन मस्तूरात के लिए कि अपने घर में रहकर फजाइल के हलके कायम करें, तालीम के हलके दिलाइए, अपने बच्चों को लेकर बैठे, अपने घर के दीगर अफराद को लेकर बैठे। हर औरत के जिम्मे वो अपनी जिम्मेदारी निभावे, जैसे घर के कामकाज की जिम्मेदारी को निभाती हैं, तो घर में वक्त पर चाय बनती है, खाना पकता है, कपड़े धुल जाते हैं, दीगर सारे काम घर के एक खातून एक औरत की फिक्र पर काबू में आ जाते हैं। घर में 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, वो एक औरत अगर फिक्रमंद है तो घर के सारे काम तरतीब के साथ काबू में आ जाते हैं। खाना पीना, नाश्ता, दीगर ज़रूरियात सारी इसी तरह हर औरत के ज़िम्मे हैं, जो अपने घर की दीन की फिक्र को भी अपनी ज़िम्मेदारी में ले कि हमारे घर में कोई बेनमाजी न रहे, हमारे घर में कोई जाहिल न रहे, हमारे घर में कोई बदअखलाक न हो,
हमारे बच्चे बच्चियाँ बाअदब हों, बाअखलाक हों, नमाजी हों, अल्लाह से डरने वाले हों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इत्तिबा करने वाले हों, ये अंदर की हमारी फिक्र हो, यही बुनियादी और बड़ा काम है औरतों के लिए कि अपने घर की चार दीवारी में रहकर खुद अपने अंदर ईमान और आमाल की कैफियत पैदा करते हुए अपने घर के मर्दों औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में ये मुबारक आमाल जिंदा हो, इसके खातिर फिक्रमंद रहना, कोशिश करते रहना, एक दूसरों को समझाते रहना, फजाइल बताते रहना, यह हर ईमान वाली औरत का काम है। अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात से हुक्म दिया وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, अपने घरों में रहकर अल्लाह की आयतों और हिकमत की बातों की तालीम करती रहो, उसका मुज़ाकरा करती रहो, ताकि घर में अल्लाह की आयतें हिकमत की बातें राइज हो जाए, घर में दीन आ जाए, घर में नमाज अमाल जिक्र तिलावत इबादत जिंदा हो जाए। घर के मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों की जिंदगी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका जिंदा हो जाए, बेदीनी घर से निकल जाए, 100% दीन आ जाए, उसी के लिए जीना उसी के लिए मरना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में से। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मज़वाज मुतहरात को ये मुबारक पैगाम दिया और उनके रास्ते से उम्मत की दीगर औरतों को भी यही पैगाम दिलवाया। सहाबियात भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारती थी, अपना दीन सीखती थी, दीन पर अमल करती थी, अपने बच्चों को बच्चियों को और दीगर घर के छोटे बड़ों को वो दीन सिखाती थी, घर घर में इसका माहौल था, दौर सहाबा में घर घर में इसका माहौल था, दीन के सीखने का, दीन सिखाने का, दीन के खातिर कुर्बानियां देने का। मर्द तो मर्द, औरतें भी पीछे नहीं थी। अज़वाज मुतहरात की जो सिफतें लिखी हैं फ़ज़ाइल में भी हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उनका मुख्तसर तज़किरा किया है, उसमें वो अक्सर उनकी सिफतों में है कि दिन में रोज़ा रखने वाली, रात में नफ़लें पढ़ने वाली, कसरत से जिक्र करने वाली, सदका खैरात करने वाली, ये उनकी सिफतें हैं। ये सिफतें और खूबियां उनकी जिंदगी में, उनके बच्चों में ये था, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तक्वा इख्तियार करने वाले, अल्लाह के नाम पर कुर्बानियां देने वाले, ये उनकी सिफत है। उनके अंदर के जज्बात अल्लाह के नाम पर शहादत के, बच्चे तो बच्चे, औरतें शौक़े शहादत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो रहे हैं। बच्चों को आप अलैहिस्सलाम वापस कर दें, कभी तुम छोटे हो, औरतों से कह रहे हैं कि ये तो मर्दों का काम है, आप वहां आकर क्या करो। औरतें कह रहे हैं या रसूलल्लाह, हम भी आपके साथ अल्लाह के रास्ते में चलें, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जख्मियों का दवा दारू करना हो, पानी भर के लाना हो, खिदमत के लाइन के बहुत से काम है जो हम आपके साथ चलकर सफर में रहते हुए हम कर सकते हैं। उनके जज्बात अल्लाह के नाम पर मरमिट के, दुनिया कमाने के, दुनिया बनाने के, जेवर बसाने के, पैसे जमा करने के नहीं, ख्वाहिशात वाली जिंदगी के नहीं, ऐश और इशरत के साथ जिंदगी गुजारने के नहीं है, बल्कि दुनिया में अल्लाह के खातिर, अल्लाह की इबादत के खातिर, उसके दीन की दावत और मेहनत के खातिर कुर्बानियाँ देने के जज्बात हैं, मुजाहदा करने के जज्बात हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने के जज्बात हैं, भूखे प्यासे रहने के जज्बात हैं। हम अल्लाह के लिए भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए प्यासे रहेंगे, अल्लाह के लिए हम कुर्बानियाँ देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ शैब अबी तालिब में 3 साल तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह और उनकी बेटियाँ और ख़ानदान बनू हाशिम ने 3 साल तक मशक्क़तें उठाई शैब अबी तालिब अल्लाह को राज़ी करने के खातिर।
उन हालात से घबराए नहीं, हिम्मत हारी नहीं, अल्लाह रसूल को छोड़ा नहीं, उन हालात में भी जमे रहे। हमारे जिम्मे भी है कि हम हर हाल में जमे रहे, हालात से घबरावे नहीं। हाँ, मुसीबतें परेशानियाँ दुनिया है ही इसकी जगह, यहाँ कभी सुख है कभी दुख है, कभी बीमारी है कभी तंदुरुस्ती है, कभी फराखी है तो कभी तंगी है, कभी हालात साजगार तो कभी नासाजगार है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। ये दुनिया है, दुनिया हालात का घर है, लेकिन इन हालात में जो हुक्मों पर जमे रहेंगे वो कामयाब बंदे बन गया। तो चाहे कैसा हाल हो, हमारी नमाज न छूटे, कैसी गर्मी हो हमारा रोजा न छूटे, कैसी तंगी हो अगर ज़कात जिम्मे वाजिब है तो ज़कात न छूटे। हर हाल में अल्लाह के हुक्मों को हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करना ये बंदों बंदियों की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। और दूसरों को इसके लिए आमादा करना, दूसरों अपने घर वालों को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, मर्दों को, औरतों को, पूरी उम्मत को, ये हमारी दूसरी जवाबदारी है। पहली जिम्मेदारी अपनी जात से अल्लाह की इबादत और इताअत पर कायम हो, खड़ा होना हर हाल में, हाल कैसा भी हुक्म नहीं छोड़ेंगे, ये पहली जिम्मेदारी। और दूसरी जिम्मेदारी है कि इस अम्र पर, अल्लाह के हुक्म पर, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरी उम्मत को खड़ा करना, वो काम थोड़ा मशक्कत वाला। पहला बहुत आसान है, पहला काम बहुत आसान, घर रहते हुए अपनी नमाज पढ़ना, जिक्र करना, कुरान पढ़ना, सुन्नत पर अमल करना, दूसरा काम मशक्कत वाला है। दूसरों को आमादा करना, तैयार करना, दूसरों को ये काम मशक्कत वाला है। लेकिन आपके मुबारक तरीके पर, जैसे आपने, आपके अज़वाज मुतहरात ने और आपकी बना दी तैयबात ने जैसे अपनी जिंदगियों को इस पर लगाया और खपाया कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए, उन्हीं की नकल उतारते हुए हमें भी अपने घर में रहते हुए दीन की मेहनत करना। मर्दों के लिए तो चार चार महीने चिल्ले और गश्त हैं, तीन तीन हर महीने, औरतों के लिए, क्योंकि औरतों के लिए घर की चार दीवारी ज्यादा अफजल है, मजबूरी में निकाला जाता है दीन सीखने सिखाने के खातिर, दीन की दावत मेहनत के खातिर। ज्यादा वक्त अपने घर में रहते हुए अपने घरों में फजाइल के हल्के कायम करके दीन और दीन की मेहनत का ज़ौक शौक पैदा करना, और अपने घर में रहते हुए अपने आमाल को कायम करना, और अपने घर के दीगर लोगों को, महरम मर्दों को और अपने घर की औरतों को दीन की दावत देना, आमाल की दावत देना, उनको अल्लाह का ताअल्लुक करवाना और उनको आखिरत की तरफ मुतवज्जह करना, ये काम अपने घर में रहकर करना है। इसलिए तालीम में छह सिफात का मुज़ाकरा बताया कि छह सिफतों का मुज़ाकरा करते करते हम दावत देने वाले बन जाते, दाई बन जाते, अच्छे दाई बने, अच्छे दाई बने, दावत देने वाले, दीन की बात कहने वाले, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, तवाज़ू के साथ। दीन की दावत देना सीखना है, जब बात करना सीख लेंगे तो हमारी बात असर वाली होगी। हमदर्दी के साथ, हमें हर एक से, जैसे एक माँ को अपने बच्चे से हमदर्दी होती है तो उसको बहलाती रहती है, फुसलाती रहती है, समझाती रहती है, वो कितना ही परेशान करे लेकिन उसको मोहब्बत से समझाती रहती है, उससे नफरत नहीं करती। हाँ, उसकी तरफ से इजाएं पहुंचती हैं, तकलीफें पहुंचती हैं, दिल दुखता है, लेकिन फिर भी बद्दुआ नहीं देती कि मेरा बच्चा है। ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है पूरी, पूरी उम्मत के साथ हमें खैरख्वाही का मामला करना, पूरी उम्मत के साथ और हर एक के साथ भला सलूक करना, हर एक के साथ
नरमी और मोहब्बत से समझाना है, मीठे बोल बोल कर, मीठे बोल जो मौसिर है बगैर तान तशरी के। दीन के काम में तान तशरी नहीं होती, गाली गलौज नहीं होता, गीबत नहीं होती, बल्कि हर एक की कदर करते हुए, हर एक की कदर करते हुए, हर एक के लिए अच्छा सोचते हुए, हर एक के लिए दुआएं करते हुए, अल्लाह ने तौफीक दी है तो अपने घर में पाबंदी के साथ रोजाना तालीम करें, यह बुनियादी अमल है। और नंबर दो पर अपने मोहल्ले की हफ्तावारी जो तालीम है उसमें पाबंदी करें, अपने कामकाज की जो तरतीब है उसको आगे पीछे कर लें। आज तालीम का दिन है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है दीन का काम करने का, तालीम के हलकों में जुड़ने का, इसकी कदर करें, शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस मुबारक काम के लिए तौफीक अदा फरमाई है, तो हमारी इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, काम करना हमें सिखा दे, तालीम करना, किताब पढ़ना सिखा दे, तेरे बंदियों से बात करना हमें सिखा दे, जिस अखलाक के साथ, जिस तवाज़ु के साथ बात करनी ज़रूरी है उस तवाज़ु के साथ, उन अखलाक के साथ बात करने की हमें तौफीक दे दे, जो हम कहते हैं उस पर हमें अमल की तौफीक दे दे, हमारी बात दूसरों के लिए असर वाली बना दे, इसको अल्लाह ताला से खूब मांगे और सीखने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं आती है, नहीं आती नहीं आती कहते कहते वो आती नहीं हो जाएगी, बल्कि उसको सीखना है, अपनी तलब बढ़ावे, किताब पढ़ना सीखें, अच्छे सिफात का मुजाकरा करना सीखें, इस्तकबाल करना सीखें, दावत देना सीखें, समझाना सीखना। हर काम का कोई ख़ास तरीक़ा होता है, उसी तरीके पर वो चलता है, अगर वो उस तरीके पर नहीं होगा तो चलेगा नहीं। दावत का तरीक़ा कि उसमें आजिज़ी है, इंकिसारी है, नरमी है, मोहब्बत है, तवाज़ु है, इस तरीके पर दावत चलती है। मैं भी आजिज़ी इंकिसारी के साथ, तवाज़ु के साथ, नरमी और मोहब्बत के साथ, जिस मोहल्ले में आपके ज़िम्मे तालीम है वहाँ फिक्र के साथ, जिस दिन है उस दिन, जो वक्त है उस वक्त से दो पाँच मिनट पहले पहुँच जाओ। आपके ज़िम्मे किताब पढ़ना है तो अपने घर पर ही फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल तबलीग, हिकायत सहाबा, एक एक दो दो सफ़े अपने घर में दो तीन मरतबा पढ़ के जाओ, तैयारी करें ताकि अच्छा पढ़ सके, मजमे के सामने सही तरतीब के साथ पढ़ सके, समझ समझ कर पढ़े, अपने घर में तैयारी करके जाओ। अब बहुत सारा वक्त हमारे पास है जो जाहिर दूसरे कामों में लगा देते हैं, तो रोज़ाना थोड़ा वक्त किताब पढ़ने में गुजारें, मुताला करें। हाँ, जिनको पढ़ने लिखने का शौक़ है वो अखबार पढ़ते हैं एक घंटा दो घंटा, दीगर किताबें पढ़ते हैं। हम अपना ज़ौक बनावे कि हम अल्लाह का दिया हुआ, उतारा हुआ जो इल्म है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो हमें मिला है, हम उस इल्म को पढ़ें रोज़ाना, आधा घंटा रोज़ाना फारिग करें और उसमें ख़ास फ़ज़ाइल को ज़्यादा पढ़ें ताकि अमल का शौक़ पैदा हो, अमल करने का जज्बा बना रहे, नमाज ज़िक्र तिलावत इबादत का जज्बा बाकी रहे। इसलिए रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाएं, जिस दिन किताब पढ़नी है उस दिन ख़ास तौर से थोड़ी तैयारी करके जावें ताकि सही सही हम समझ कर पढ़ सकें, मजमे को भी मुतवज्जे करें। जिस बहन के ज़िम्मे छह सिफात का मुज़ाकरा है वो पूरे शौक के साथ सिफात बयान करें, ये कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं, ये तो जवाबदारी है, तो जवाबदारी कीजिए, कोई फ़ख्र करने की, घमंड करने की, गुरूर की चीज़ नहीं है, एक जवाबदारी हमारे ज़िम्मे है, उस जवाबदारी को निभाना है और अच्छी तरह निभाना है, सीख कर करना है काम, काम को सीख कर अच्छा करना है। जैसे दीगर कामों में हम ऐसे वैसे नहीं चला लेते, आटे को अच्छी तरह गूंथते हैं, रोटियों को अच्छी तरह बनाते हैं, उसको अच्छी तरह सेकते हैं, 19-20 नहीं चला लेते हैं, ऐसे दीन के काम को भी अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें, 19-20 नहीं चलाना,
अपने साथ से, दूसरों से गलती हो रहे हैं तो उनको दरगुजर करें, लेकिन अपने ऊपर चौकन्ना ना रहे, 19-20 नहीं करना है, अच्छा से अच्छा करना है, इसकी कोशिश करें और तालीम के हल्कों को निभाए, फिक्र के साथ जाए, पाबंदी करें, उस दिन दूसरा कोई काम काज नहीं करें ताकि हर्ज पैदा हो, अपने अंदर एक फुरन पैदा कर। अल्लाह ने हमें एक काम दिया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदक़े में दिया है कि आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन बनकर आए और आप दुनिया से चले गए, अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने कारे नबूवत जो नबियों को जो काम दिया जाता था अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का और दावत देने का जो काम है, वो काम अल्लाह ताला ने इस उम्मत के मर्द औरतों के ज़िम्मे किया है और हमें उसकी तौफीक दी, हम शुक्रगुजार हैं। ये अल्लाह हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम इस काबिल नहीं थे कि हम ये काम करते, हमें वो सलाहियत नहीं है, हमें वो इस्तेदाद नहीं है, हमारे पास वो तकवा वो तवक्कुल नहीं है, लेकिन ये अल्लाह तूने अपने फजल से तौफीक दी है, तो इस काम के लिए जिन खूबियों जिन सिफतों की ज़रूरत है वो तो अपने फजल से हमें दे और हमें काम करना सिखा दे, हमारे राहें खोल दे, जिस तकवे और तवक्कुल की ज़रूरत है वो तकवा और तवक्कुल हमें दे दे, इस दर्जे के तेरे ताल्लुक़ की ज़रूरत है वो ताल्लुक हमें दे दे, इस दर्जे के हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क़ और मोहब्बत की ज़रूरत है वो मोहब्बत और ताल्लुक़ हमें अता फरमा कर, दीन की दावत के लिए दीन की मेहनत के लिए हमें भी कबूल फरमा, हमारी औलादों को कबूल फरमा, हमारे घर वालों को कबूल फरमा, और या अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को जो इस मुबारक और अज़ीम काम के लिए कबूल फरमा, दुआ मांगे, काम करते जाएंगे दुआ मांगते जाएंगे, काम करते जाएंगे दुआ मांगते जाएंगे, तो अल्लाह आसानियाँ पैदा करता जाएगा, सहूलतों के दरवाजे खोलेगा और खुदा हमें दुनिया में हिदायत और खैर के फैलने का जरिया बना देगा। ये हमारे अंदर की लालच है कि हम दुनिया में हिदायत फैलने का जरिया बने, हमारे जरिए से लोगों को कलमा मिले, नमाज मिले, अखलाक मिले, अमाल मिले, इखलास मिले, हम जरिया बने लोगों को ये चीज़ें सीखने सिखाने का। और इसलिए आप माँ बहनों से हमारी गुजारिश है कि इस नियामत की शुक्रगुजारी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और पाबंदी करें, अगर सुस्ती हो रही है कोताही हो रही है अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, अल्लाह एक बड़ी नियामत है तो हमें इससे महरूम न करना, हमसे जो कोताही हो उस पर हमें माफ़ कर दें और खूब पाबंदी से करें। हफ्ते भर मोहल्ले की औरतों से मिलना जुलना होता है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, उनको दावत दें, अपने घर में दाई बन के रहें, तालीम के हल्कों से मखसूस सिर्फ तालीम नहीं है, तालीम और छह सिफात एक मश्क हैं जिसके रास्ते से हमें दाई बनना है, हर हाल में हम अल्लाह के दीन के दाई, जहां हम देखेंगे मौका देखकर ईमान वाली बंदियों से हम बात करेंगे, ईमान की, आमाल की, अखलाक की, दीन की दावत, दीन की मेहनत, उनसे बात करके उनको तैयार कर आमाल के खातिर, ये हमारे ज़िम्मे हैं कि हम अच्छे कामों की लोगों को दावत दें और बुराइयों से रोकें। अच्छे कामों की दावत दें और बुराइयों से रोकें, ये हमारे ज़िम्मे है। आज माहौल में चीज़ नहीं है, इस वजह से बुराइयाँ पनप रही हैं, गुनाह गुनाह वाली जिंदगियाँ आम हो रही हैं, वजह इसकी यही है कि जो लोग जानते हैं गुनाहों को, गुनाहों की नहुसत को, वो चुप हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये मेहनत इसकी है कि हम नरमी मोहब्बत से दावत दें, लोगों को दीन की तरफ खैर की तरफ लाने की कोशिश करें, अपने घर हफ्ते भर महीने भर अपने घर में रहते हुए दाई बनते रहें, अपने बच्चों को दावत दें, बच्चियों को दावत दें, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, करीब के दूर के रिश्तेदारों को, अपने महरम मर्दों को और औरतों को दावत दें और अपने अमाल की खुद पाबंदी करें। अल्लाह मौका दे तो फिर आगे का काम ये है कि अल्लाह के रास्ते में निकले, अपने महरम के साथ, अपने शोहर के साथ तीन तीन दिन लगा कर मुस्कुराहट की जमातें बनती हैं, वहाँ निकल कर हम दीन पर चलना सीखें, अमली तौर पर पर्दा करना सीखें, नमाज पढ़ना, जिक्र करना, कुरान पढ़ना, दावत देना सीखें, उसके लिए तीन तीन दिन, दो तीन मरतबा तीन दिन लग जाए तो 10 दिन की जमात होती है, 10 दिन लगे आगे 40 दिन की जमातें बनती हैं, दो दो महीने के लिए मुस्कुराहट की जमातें दुनिया के मुल्कों में जाती हैं, एक
फिक्र लेकर कुड़ल लेकर हजारों बंदियां अल्लाह की इस गए गुजरे जमाने में भी अपनी तमाम तर कमजोरियों के साथ अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां दे रही और मेहनत कर रही, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा और हमें भी खुदा इसकी तौफीक अदा करवा। तो इसलिए अपने तमाम तर आमाल की पाबंदी के साथ फिर अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरकीब करना। अल्लाह का फजल है कि बारिया में भी माशाल्लाह मुसलात के नंबर वन पर शुरू हो जाती है, यहाँ जमातें आती हैं, यहाँ से भी जमातें जाती हैं, तालीम के हल्के हर मस्जिद के अतराफ में दो तीन शुरू हुए हैं, जहाँ तालीम करने वाली बहनें हैं तालीम हो रही है, जहाँ नहीं है तो बयान हो रहा है। और एक कोशिश जारी है कि हर जगह हर मोहल्ले में ऐसी बासलाहियत औरतें पर तैयार हो जाए जो खुद से तालीम के हल्कों को निभावे, किताब पढ़ रही हो, छह सिफार का मुजाकरा करें। ये इस्तेदाद बनेगी जमात में वक्त लगाने से। इसलिए जिन बहनों का पहले वक्त लगा है वो तो पाबंदी करे, हर तीसरे महीने 3 दिन लगा, हर साल 1 मरतबा 10 दिन लगा, और नई नई दूसरी बहनों को अपने साथ तैयार करें। तो इससे हमारा खला पुर होगा और हर मोहल्ले में तालीम करने वाली बहनें तैयार हो गए, मेहनत करने वाली दावत देने वाली बहनें तैयार हो गए। इसलिए आप बहनों से हमारी गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्लों में ऐसी बहनों पर नज़र रखें कि जो तालीम कर सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं, ऐसे मुजाकरा कर सकती हैं, ताकि उनको 3-3 दिन लगवा कर फिर उनको भी आमाले दावत में जोड़ लें तालीम के हल्कों में, और एक ऐसा मुनासिब अमला तैयार हो जाए हर हर मोहल्ले में, बल्कि हर हर घर में, हर हर घर में अच्छी तरह किताब पढ़ने वाली, मुजाकरा करने वाली, बात समझाने वाली ऐसी मुनासिब औरतें हर हर घर में तैयार हो जाए। इसकी आपको अपने तालीम के हल्कों के साथ कोशिश करना है, फिक्र करना है, इसको तबीयत पर लेना है, और मौका ब मौका जो तरतीब है बुजुर्गों की बनाई हुई उस तरतीब पर अल्लाह के रास्ते में निकलने का निज़ाम बना लें और जमात में वक्त लगा लें। तरतीब मस्तूरात की तरतीब ये है कि हर तीसरे महीने 3 दिन, साल में 1 मरतबा 10 दिन फुरूज के अतबार से, और हर तीसरे साल में 1 मरतबा चिल्ला। 3 दिन हर तीसरे महीने लगेंगे गोया 9 महीनों में 3 मरतबा 3 दिन लगेंगे, चौथी मरतबा में 10 दिन, यानी साल में 3 मरतबा 3 दिन, 1 मरतबा 10 दिन, पूरे साल के 19 दिन होंगे 365 दिनों में से। बहुत थोड़ी कुर्बानी लेकिन ये थोड़े में बड़ी जान है। हर तीसरे साल चिल्ला है, 2 साल छोड़ के तीसरे साल 40 दिन अपने शोहर के साथ, फिर अगर अल्लाह आगे तौफीक दे तो आगे की तरफ। और मकामी काम में अपने घर की तालीम रोजाना और मोहल्ले की हफ्तावारी तालीम हफ्ते में 1 मरतबा, ये मस्तूरात के काम की तरतीब है। और उसके साथ 24 घंटे अपने आमाल, जिक्र, तिलावत, इबादत, नमाज, दुआ, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और तरबियत, अपने शोहर की खिदमत, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक और सिला रहमी, अपने पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक और दरगुजर। इस दुनिया में तो हम इसी नियत से रहें कि हमको तकलीफ पहुंचने वाली है उसको हमें माफ़ करने का है, इसी नियत से रहना चाहिए कि तकलीफ हमको पहुंचने वाली है हमें माफ़ करने का। जैसे मौसम से कोई शिकायत लड़ाई करता है, गर्मी लगती है तो कोई मौसम से लड़ता है, वो भी एक तकलीफ पहुँचती है, लेकिन कोई लड़ता नहीं, इंतज़ाम करता है कि तकलीफ हमारी दूर हो, उसके लिए पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन कोई लगताप से धूप से लड़ने जाता है कोई बाहर, समझते हैं कि मौसम है, बारिश से तकलीफ हो जाती है, घर में टपकता है पानी तो कोई गालियां देता है बारिश को, हालांकि घर टपकता है, कीचड़ हो जाता है बाहर, पानी भर जाता है, लेकिन कोई मौसम से लड़ता नहीं, लेकिन लोग लोगों से लड़ते हैं तकलीफ पहुँचती है, हालांकि मौसम जितनी तकलीफ लोगों से नहीं पहुँचती, लेकिन फिर भी लड़ाई है। तो हमें किसी से लड़ना नहीं, बर्दाश्त करना है, माफ करना है। माफ करने का मजा लड़ने से ज्यादा है, तकलीफ पर किसी से हम लड़ाई करें उससे ज्यादा मजा किसमें है, माफ करें, कुछ पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करें, अपना दिल साफ रखें। दिल हम देखो कपड़े गंदे पसंद नहीं करते, हम कैसे हैं कि कपड़े गंदे पसंद नहीं करते, अपना घर गंदा पसंद नहीं करते,
औरतें घर के बर्तन गंदे पड़े हो तो पसंद नहीं करती, रात में नींद नहीं आती उनको जब तक बर्तन धोकर न सो, लेकिन दिल गंदा करके सोते हैं रोजा। इस दिल को खुदा ने साफ रखने को कहा कि अपना दिल साफ रखे हर एक से, उसमें न हसद हो, न कीना हो, न बोझ हो, न अदावत हो, न इंतकाम का जज्बा हो, न बड़ाई हो, तकब्बुर हो, ये सारे बीमारियां हैं, हुयूब है दिल के। अपना दिल पाक साफ रखें, हर एक से मोहब्बत करें, हर एक की खिदमत करें, हाँ दिल को साफ रखें। दिल साफ नहीं होगा हम काम नहीं कर सकेंगे। दावत का काम तो साफ दिल से होता है, तवाज़ु से होता है, हमदर्दी और खैरख्वाही का काम है। यहाँ इंतकाम का जज्बा हो तो काम नहीं होता, दिल मैला हो तो काम नहीं होता। जिससे तकलीफ पहुँचे उनको माफ़ करें, दरगुजर करें, दरगुजर करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को माफ़ करेगा जो बंदों को माफ़ कर देगा। अल्लाह क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? हर एक पसंद करेगा, हम बंदों को माफ़ करें खुदा हमें माफ़ करें। हाँ खुसूसन रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ करीबी गुरबत होती है, ज़्यादा मिलना जुलना होता है, आपस में कुछ मन दुख हो जाता है तो उसको दिल पर न लें, थोड़ी देर हो ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 दिन बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने उसकी हद बताई है। किसी से तकलीफ पहुँच गई, बुरा लग गया तो कब तक? 3 दिन, 3 दिन के बाद ख़त्म। अब उससे ज़्यादा बुरा नहीं लगा सकते हम। हकीकत में किसी ने तकलीफ पहुँचाई हो तो, और तकलीफ़ उसने पहुँचाने का इरादा नहीं किया, हमको पहुँच चुकी, उनका इरादा नहीं था लेकिन हमको ऐसा लग गया, तो फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो इसलिए कोशिश करें दिल साफ रखें, उसने सुलूक करें पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, हीरा बनाने की कोशिश करें उसको, बच्चों के नाम लेकर दुआ करें कि अल्लाह मेरा फला बेटा मोहम्मद, ये मेरा बेटा अहमद है, ये मेरी बेटी फातिमा है, भैया है, ये अल्लाह इनकी अच्छी तरबियत करें, इनको नफे वाला इल्म दे दे, इनको हमारा फरमाबरदार बना दे, इनको हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हाँ इनके ज़रिए से हमारे दिलों को खुश कर दे। तरबियत करने वाला ये अल्लाह तू ही, हम अपने बस की कोशिश कर रहे हैं हमारे औलादों की बेहतरीन तरबियत करो, हमारी उम्मीदों से बढ़कर इन्हें बना दे दुनिया में हमारे लिए, इनको तो खैर और रहमत का ज़रिया बना, और आखिरत में हमारे लिए इनको तो नजात का ज़रिया बना। दुआएं मांगे अल्लाह से, काम करके दुआ मांगे, नमाज पढ़ के दुआ मांगे, कुरान पढ़ के दुआ मांगे, जिक्र करके दुआ मांगे, सदका देकर दुआ मांगे, हर काम के बाद दुआ है, खूब दुआओं का इहतमाम करें, अल्लाह से लो लगावे, ताल्लुक उसी से बनाने की कोशिश करें, देने वाला वही है, वो चाहेगा तब मिलेगा, लोगों से उम्मीदें मुनक़त कर ले कि किसी से कोई उम्मीद न रखें, उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह से करें कि हमारा अल्लाह हमारी हाजतें ज़रूरतें पूरी करेगा, वही हमारी परेशानियों मुसीबतों बीमारियों को दूर करेगा, वही एक साथ है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है, इसलिए उस अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें।